सुपरस्टार रजनीकांत हिंदुस्तान का एक लौता ऐसा कलाकार जिसे लोग भगवान की तरह पूछते हैं, उतना प्यार करते हैं। हिंदुस्तान के बड़े से बड़े सुपरस्टार को अपनी फिल्म के रिलीज के लिए एक स्पेशल दिन, एक त्यौहार का दिन, एक छुट्टी का दिन देखना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है। ये एक लौता ऐसा स्टार है जिस दिन उनकी फिल्म रिलीज होती है उस दिन ही छुट्टी का माहौल हो जाता है। इतना ज़्यादा प्यार, इतनी बड़ी सफलता शायद ही किसी कलाकार को मिली हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रजनी सर का बचपन कैसे बीता था, कौन सी मुसीबतों का उन्होंने सामना किया है? कोई गॉडफादर नहीं था उनके सर पर हाथ रखने वाला, इंडस्ट्री में से कोई नहीं था, फिर भी इतने बड़े मुकाम तक वो कैसे पहुँचे? ना हीरो जैसी हाइट है, ना हीरो जैसा लुक है, ना चार्मिंग फेस है, ना कोई सिक्स पैक है, सिर्फ और सिर्फ टैलेंट के दम पर यहाँ तक पहुँचने में कैसे कैसे दिनों का उनको सामना करना पड़ा है। आज हम बात करने वाले हैं वेरी ग्रेट सुपरस्टार रजनीकांत के बारे में, जिनके बारे में जानकर हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की बात है। हाय, मैं हूँ जस्मीन पटेल और आप सबका डिटेल्स पर बहुत स्वागत है। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को कर्नाटका के बेंगलुरु में एक मराठी फैमिली में हुआ था। पिताजी का नाम था रामोजी राव गायकवाड़, जो एक पुलिस कांस्टेबल थे। माताजी का नाम था जीजाबाई, जो एक हाउसवाइफ थी। उनके माता पिता ने उनका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से शिवाजी गायकवाड़ रखा था। चार भाई बहन थे, उनमें से सबसे छोटे थे हमारे शिवाजी यानी कि रजनी सर। पिताजी के रिटायरमेंट के बाद सब लोग बेंगलुरु के हनुमंत नगर में शिफ्ट हो गए थे। उनकी पढ़ाई शुरू हुई थी जब वो 6 साल के थे, गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन हुआ। पढ़ाई में तो होशियार थे ही, उनको अच्छा लगता था, लेकिन स्कूल की को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट किया करते थे। अब तक रजनीकांत की ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, जैसा सबका चलता है उस स्कूल वाली उम्र में। लेकिन जब वो 9 साल के हुए तब ज़िंदगी ने उनको दिया पहला बड़ा झटका। उनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी और यहीं से रजनीकांत की ज़िंदगी का काला दौर शुरू हो गया था। ये सब इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम आपको बता सकें कि बुरा वक्त जो है वो हर किसी की लाइफ में आता है, लेकिन ऐसे वक्त में सर पर हाथ रखकर नहीं बैठे रहना चाहिए। जिस रजनीकांत जी को हम आज सुपरस्टार के तौर पर देख रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में ऐसे कई दिन आए हैं, कई ऐसे दुख आए हैं जिनको जानकर आपके दुख, आपका बुरा वक्त आपको शायद छोटा लगेगा। नन्हे से रजनीकांत ने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की, स्कूल के नाटकों में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, तभी से उनको एक्टिंग में दिलचस्पी होने लगी थी। स्कूल में बाकी सब लोग उनकी एक्टिंग को देखकर बहुत तारीफ करते थे उनकी, और वहीं से उनको मोटिवेशन मिलता था। सब कुछ धीरे धीरे सही हो रहा था, ज़िंदगी नॉर्मल हो रही थी, लेकिन फिर से ज़िंदगी ने दूसरा बड़ा झटका दे दिया। घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पैसों की बहुत कमी होने लगी थी घर में। रजनीकांत ने घर की आमदनी में हेल्प करने के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने कूली का काम करना शुरू कर दिया। लोगों का सामान उठाते थे ताकि कुछ पैसे मिल सके और घर पर मदद कर सके। कारपेंटर का काम सीखा, लोगों के घर जाकर फर्नीचर बनाते थे। इतनी मेहनत करने के बाद भी घर पर इतनी मदद नहीं कर पाते थे, घर के जो हालात थे वो सही नहीं हो रहे थे। ऐसा कुछ करना ज़रूरी था जिससे ज़्यादा पैसे आ सके। बहुत मुश्किल से उनको बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में एक जॉब मिली, जॉब थी कंडक्टर की। वो एक्टिंग, पैशन, ये सब पता नहीं कहाँ खो गया था ज़िंदगी के हालातों से लड़ते लड़ते। और ज़्यादातर लोगों के साथ, और आई थिंक से सब के साथ ऐसा ही होता है। लोग कहते हैं कि पैशन को फॉलो करो, जो काम अच्छा लगता है वो करो, लेकिन कैसे? बोल दिया और हो गया, इतना आसान है क्या? घर की जिम्मेदारियां होती है, परिवार की जिम्मेदारियां होती है, साला जब तक पढ़ाई करते हैं तब तक पढ़ाई की जिम्मेदारी, सर्टिफिकेट्स की जिम्मेदारी, मार्क्स की, नंबर्स की जिम्मेदारी। पढ़ाई खत्म करके बाहर निकलते हैं तो जॉब का टेंशन, परिवार की जिम्मेदारी, पैसों की जिम्मेदारी, तो इसमें पैशन फॉलो करने का स्लॉट कहाँ है भाई? और ऐसे में अगर किसी को कह दिया कि ये मेरा पैशन है तो लोग तो पागल कहना शुरू कर देते हैं। कैसे उनको कहे कि जो काम हम कर रहे हैं वो हमें अच्छा नहीं लगता है, हम कोई और काम के लिए बने हैं जिसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये कहे किससे? ये सबसे बड़ा सवाल है ना।
ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है, बहुत सारे लोगों का है और था, इंक्लूडिंग मी। रेयरली 1% केसेस ऐसे होते हैं जिनके हालात ऐसे होते हैं कि भाई तू तेरे पैशन को फॉलो कर, परिवार का टेंशन, पैसों का टेंशन, जिम्मेदारियां, ये सब कुछ छोड़, पैशन को फॉलो कर, सफल हुआ तो ठीक, फेल हुआ तो ठीक, यहाँ पर सब कुछ सेट है, बिंदास जा। ऐसा रेयरली 1% में होता है, 99% में हम सब आ जाते हैं, एसआरके नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एलन मस्क, नरेंद्र मोदी, रोहित शर्मा, धोनी, सब आ जाते हैं। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि ये सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये अपने दिमाग में फिट कर लो, सबका प्रॉब्लम है, सबके साथ ऐसा होता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फर्क ये है कि ऐसे सिचुएशंस को बहुत कम लोग उस वक्त पर मैनेज कर सकते हैं। तो रजनीकांत जी की कहानी पर वापस आते हैं। तो रजनीकांत जी ने बस कंडक्टर की नौकरी शुरू की, पैसे आने लगे, घर के हालात भी सुधरने लगे, सब सही चल रहा था, वक्त नहीं मिलता था एक्टिंग के लिए, पैशन के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पैशन को जिंदा रखा। बस में एक्टिंग करते थे, लोगों के सामने, पैसेंजर्स के सामने उनको एंटरटेन करते थे, उनका वो टिकट काटने का स्टाइल, सीटी मारने का स्टाइल, छुट्टे पैसे वापस देने का स्टाइल, लोग बहुत एंटरटेन होते थे। उनका एक दोस्त था राज बहादुर, उन्होंने रजनीकांत को कहा कि भाई तू बहुत ही ग्रेट आर्टिस्ट है, आज मैं देख सकता हूँ, कल पूरी दुनिया देखेगी तुझे, तू ये सब कुछ छोड़ और मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर, उसी फील्ड में आगे बढ़। अब जब इतना प्रेशर होता है, इतना अंदर आग लगी होती है, ऐसे में कोई अपना बंदा आकर ऐसा बोल देता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। रजनीकांत बहुत ही खुश हो गए, उन्होंने घर पे जाकर बात की कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, घर वालों ने ना कहा। अब ऐसा नहीं है कि कोई, किसी घर में ऐसा नहीं होता है कि वो नहीं चाहे कि अपना बेटा आगे ना बढ़े, ऐसा नहीं था कि रजनीकांत की सक्सेस उनको नहीं चाहिए थी, लेकिन क्या होता है कि घर वाले ऑलवेज सेफ्टी देखते हैं, सिक्योरिटी देखते हैं। आपके साथ भी अगर ऐसा होता है, हो रहा है कि घर वाले कोई चीज़ करने से आपको मना कर रहे हैं, तो ऐसा सीधा ब्लेम मत कर दो कि यार आप चाहते ही नहीं हो कि मैं आगे बढ़ूँ, ऐसा नहीं है। वो आपकी केयर करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, उनको डर लगता है कि आप कहीं पर भटक ना जाओ। तो रजनीकांत जी के भी घर पर यही माहौल था कि भाई अभी अभी सब कुछ सेट हुआ है, क्यों ये सब करने की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन उन्होंने अपने दोस्त को कहा कि भाई घर से तो ना है, अभी क्या करेंगे। राज बहादुर ने कहा कि इंस्टीट्यूट तो तुझे ज्वाइन करना ही है, पैसे मैं दूंगा। उन्होंने उनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मदद की और रजनीकांत जी ने भी ये रिस्क लिया, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, रजनीकांत जी ने भी ये रिस्क लिया और इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। अब वहाँ पर तो चारों तरफ एक्टिंग की ही बातें होती है, अपने एरिया में आ चुके थे रजनीकांत, टैलेंट तो कूट कूट के था और कुछ कर दिखाने का जुनून भी था, क्योंकि इतनी तकलीफें देख चुके थे तब तक कि पैसों की और वक्त की अहमियत बहुत अच्छे से समझते थे। दिन रात मेहनत करने लगे और अपने हुनर को और ज़्यादा मजबूत करने लगे, उसमें माहिर होने लगे। एक दिन वहाँ पर तमिल फिल्म डायरेक्टर बाला चंदेर जी ने नोटिस किया कि ये बहुत ही कमाल का एक्टर है। उन्होंने रजनीकांत जी को उनकी पहली फिल्म ऑफर की, तमिल फिल्म थी, रोल छोटा था लेकिन रजनीकांत जी ने उसमें जान डाल दी। फिल्म का नाम था अपूर्वा रंगंगा। उसके बाद बैक टू बैक फिल्म्स, कुछ सालों के अंदर, 5 से 6 सालों के अंदर रजनीकांत जी एस्टाब्लिश्ड एक्टर बन चुके थे और उसके कुछ सालों के बाद उनको वो सुपरस्टार का टैग मिल चुका था। इसके बाद बॉलीवुड की भी कई सारी फिल्में की और ऐसा नहीं है कि उसके बाद उनका बुरा वक्त आया ही नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो बंदा ज़मीन से ऊपर आता है ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता फेलियर से, वो कभी भी कमबैक कर सकता है, क्योंकि उसने वो लास्ट स्टेज जो होता है ना, सबसे नीचे वाला स्टेज, वो देखा हुआ होता है, उसे जिया हुआ होता है। उसके बाद आई शिवाजी द बॉस, इस फिल्म ने उनको वर्ल्ड वाइड फेमस कर दिया, हिंदुस्तान के हाईएस्ट पेड एक्टर बन चुके थे रजनीकांत जी। इस फिल्म के लिए उनको मिले थे 26 करोड़ उस वक्त पे। उसके बाद आई रोबोट 2.0। इस एज में ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किए जो आजकल के यंग एक्टर्स भी प्ले नहीं कर पाते हैं। और एक कमाल की बात यह है कि इतनी बड़ी सक्सेस मिलने के बाद भी रजनीकांत जी जैसे पहले थे, आज भी वैसे ही है, डाउन टू अर्थ, सबसे बात करते हैं, आम इंसानों की तरह रहते हैं, जितनी हो सके उतनी सबकी मदद करते हैं। जनरली क्या होता है कि एक सुपरस्टार जब पब्लिक में आता है तो प्रॉपर ड्रेसिंग करके, हेयर ड्रेसिंग करके, मेकअप वेकअप करके आता है ताकि उनका स्टेटस बना रहे, उनका फैन फॉलोइंग बना रहे। रजनीकांत जी का बिल्कुल उल्टा है, ये बिल्कुल रियल रहते हैं, मतलब धोती कुर्ते में आते हैं, कोई मेकअप नहीं, कोई विग नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, और इससे उनका फैन फॉलोइंग कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता है।
तो ये है रजनीकांत जी, जिन्होंने एक बेंचमार्क क्रिएट कर दिया है रजनीकांत स्टाइल का, द रजनीकांत स्टाइल का, रियल लाइफ में भी और रियल लाइफ में भी। ओके, देन आज की बात यही तक रखते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेरी तरफ से एक मैसेज आप सबके लिए, कुछ भी हो, कैसे भी हालात हो, पैशन को मरने मत देना, उसे जिंदा रखना है। अगर आप मुझसे डायरेक्ट कुछ बात करना चाहते हो तो ये व्हाट्सअप नंबर है, यू कैन ज्वाइन मी हियर। आपके जो भी थॉट्स हैं आप डायरेक्टली मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे जी चिल्स के फेसबुक पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी हमारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।